पश्चिमी ओडिशा में शुक्रवार को गांजा की तस्करी करते हुए महाराष्ट्र के एक पुलिस कर्मी को तीन अन्य साथियों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। बरगढ़ पुलिस के अनुसार शुक्रवार को बारापाली रेल गेट पर लगभग 22 किलोग्राम गांजा ले जा रहे तीन पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेलवे गेट पर एक वाहन को रोका और मादक पदार्थ जब्त किए। वाठोड़ा पुलिस स्टेशन से जुड़े नागपुर पुलिस के हेड कांस्टेबल रोशन उगले सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक जोड़ी हथकड़ी और एक पुलिस लोगो भी जब्त किया गया है। बरगढ़ उपमंडल पुलिस अधिकारी दीपक कुमार गोचायत ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने और महाराष्ट्र नंबर वाले वाहन को रोकने के लिए पुलिस की तीन टीमों को गठन किया गया था जो सोनपुर से आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक रोशन उगले छुट्टी पर थे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।